नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। कितनी लंबाई रखना है आपको, एक इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। तो हमने रखी है लंबाई 14.5 इंच, 11.5 इंच डबल फोल्ड करके लिया है। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म हो लिया है 6 इंच। गले की चौड़ाई लेंगे देखिए 2.5 इंच से, थोड़ा सा हमने 2 मार्क ज़्यादा कर लिया है, 2.5 इंच से 2 लाइन ज़्यादा की। अब देखिए यहाँ पर लेंगे लंबाई का निशान, लंबाई का निशान हम लेंगे 9 इंच पर, और उसके बाद लेंगे 11.5 इंच पर। तो यहाँ से ये इस पर कट रहेगा। तो ये निशान, एक निशान हमने एक निशान 9 इंच पर किया और एक निशान 11.5 इंच पर। अब इस तरह से देखिए गले का शेप देना है और यहाँ से कट का शेप देना है। बिल्कुल जितनी चौड़ाई ली है उससे थोड़ा सा 2 पॉइंट कम लिया है, नहीं बराबर से इस तरह मिलाते हुए लाइन करना है। उसके बाद देखिए निकालना है इसे बुकरम के ऊपर। तो बराबर से फोल्ड करके वहीं से रखा पूरा निशान इसका, इसके ऊपर निकाल लेंगे। तो इस तरह इसको निकाल लिया। अब इसे कट कर लेना है। तो इस तरह हमारे गले की कटिंग हो गई। अब हमें इस तरह कपड़े पर पहले सिलाई लगानी है। तो इस तरह कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद जो गला है उसे बनाएंगे। तो पहले इस पर देखिए इस तरह से सिलाइयाँ लगा कर हमें तैयार कर लेना है। इस साइड से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह पलट कर सिलाई डालेंगे, फिर इस तरह से पलटना है और पूरे पर साइड से पूरे पर पकड़ा देना है। अस्तर और कपड़े पर दोनों पर पकड़ते हुए सिलाई इस तरह लगाना है। तो ये सिलाई हमने लगा ली, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया। बराबर से देखिए इस तरह मोड़ते हुए यहाँ पर एक लाइन हमें करनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से कर लेंगे। अब गले को लेना है, कपड़े पर रख के एक सिलाई हमने देखी इसके बीचों बीच डाल रखी है। बाहर वाली तरफ से इस तरह मोड़ते हुए सिलाई डालना है फोल्ड करते हुए। तो देखिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखना है इस तरह से फोल्ड करने के लिए। तो पूरे पर इस तरह सिलाई डाल देंगे, उसके बाद देखिए दोनों निशानों को बिल्कुल बराबर से मिला कर रखना है। पहले एक सीधी सिलाई डालेंगे ताकि सिलाई लगाते समय थोड़ा भी इधर उधर ना हो। तो ये सीधी सिलाई डालेंगे, फिर पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान किया हुआ है वहीं से सिलाइयाँ हमें पूरे गले पर इस तरह से लगा लेनी है। इस तरफ से भी डाल दी है, अब इसे कट करेंगे। अगर कट थोड़ा और बड़ा रखना चाहते हैं तो ऊपर से गला कम कर सकते हैं या नीचे से भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको इस तरह से कट करेंगे, उसके बाद कट भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड कट लगेगा और फिर ऊपर गले पर लगेगा, पूरे पर जहाँ तक राउंड में है इस तरह लगाना है। ऊपर जहाँ तक सीधा है वहाँ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ तक राउंड में है वहाँ तक लगाना है। अब इस तरह से इसको पलटना है। तो इस तरह से इसको पलट लेंगे। यहाँ पर अच्छे से कपड़े को निकाल लेना है, एक पिन ले लेना है उससे, उसकी मदद से अच्छे से इसे निकाल लेना है। उसके बाद ऊपर से एक सिलाई अब डालनी है। तो ये पूरे पर अब एक सिलाई डालेंगे। पहले इस पर हम पाइपिंग रखेंगे, तो पहले सिलाई डाल देंगे, या तो चाहे तो प्रेस कर दें, अच्छे से ये बैठ जानी चाहिए पट्टी। उसके बाद इस पर पाइपिंग बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह सिलाई डाली। अब ये पाइपिंग पट्टी लेंगे और एक तरफ से मोड़ते हुए इस पर पहले हमें सिलाई लगा कर इसे तैयार कर लेना है। अब
पूरे गले के लिए इस तरह से हमें पाइपिंग पट्टी तैयार करनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई पर डालते जाएंगे। अब गले पर हमें देखिए इस तरह पाइपिंग बना लेना है। पहले पट्टी को लगाएंगे, ये देखिए उल्टी वाली साइड से पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई ऊपर से डालेंगे, ताकि यहाँ से समझ में आता रहे। कपड़ा हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पकड़ना है, ताकि एक बराबर से कपड़े पर ये सिलाई लगे। तो ये साइड चेंज कर ली है, उल्टी वाली साइड से पट्टी को इस तरह लगा देंगे। अब इस तरह पाइपिंग पतली सी पाइपिंग निकालते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए ये पाइपिंग तैयार कर ली है। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो बटन लगा सकते हैं जोड़कर, या तो फिर इस पर डोरी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हम डोरी लगाएंगे, थोड़ी सी मोटी लेंगे और तिरछे कपड़े पर इसे बनाना है। अब इसे पलटकर सीधा करना है। सिलाई हमने डाल रखी है, अब इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हमें दो ले लेनी है, दोनों साइड से ये इस तरह लगाएंगे। अब ये हमने मोटी ली है, पतली भी आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है जैसे लगाना हो। तो इस तरह लगा देंगे दोनों तरफ से। पाइपिंग के नीचे से ही सिलाई डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे लगा दिया। अब इसको यहाँ पर बांध देना है। हम नीचे इस पर लटकन वगैरह लगा सकते हैं, कपड़े की लगाएं चाहे जो लगाएं। तो इस तरह देखिए इसे बांध दिया है। अब गले पर भी हम रखेंगे। उसके लिए इस तरह से ये प्लेन कपड़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये प्लेन कपड़ा ले रखा है। अब इसको इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। चौड़ाई इसकी देखिए 2.5 इंच हमने ली है। अब इसको मोड़ते हुए सिलाइयाँ इस तरह डाल देनी है। तो ये सिलाई डाल दी है, अब देखिए इस तरह से हमें बनाना है। अब इस तरह छोटी छोटी सी चुनटे इस पर देते जाएंगे और यहाँ पर पकड़ कर रखेंगे। और फिर जब ये जितनी हमें चाहिए, जितनी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए इस तरह पकड़ कर हर एक चुनट पर इस तरह से सिलाई तिरछी करते हुए डालेंगे, ताकि सब पर सिलाई लग सके। इस तरह से हमें बनानी है। तो इसी तरह से अब हमें डिजाइनें बना लेनी है। ये गले पर लगेगी, ये बीच में छोड़ते हुए एक उस साइड से और एक इस साइड से, जितनी लगेगी उस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से इसे लगाना है। बीच में छोड़ना है जहाँ पर बद्दी हमने बांध रखी है डोरी। अब बीच में देखिए 2 पॉइंट का गैप भी देना है। बिल्कुल सटा कर नहीं रखेंगे, नहीं अच्छे से डिजाइनें समझ में नहीं आएंगी। तो इस तरह रखते हुए अब सिलाई डालते जाना है। देखिए यहाँ पर 2-2 पॉइंट का गैप दिया और यहाँ तक लगाई, 4 डिजाइनें आई हैं। 4 डिजाइन इस साइड भी आएंगी, तो इसी तरह लगा लेना है। तो हमने दोनों तरफ से लगा ली है। अब इस पर हमें मोतियाँ लगानी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से मोती लगा देंगे। एक मोती हमने देखिए बड़ी यहाँ पर डाली है और इसके चारों तरफ से अब छोटी डाल देंगे। तो इसी तरह हमें लगाना है, पाइपिंग के बिल्कुल नीचे से रखते हुए इस तरह लगाएंगे। अब पूरे पर हमें इसी तरह से लगा कर तैयार कर लेना है। तो हमने पूरे पर लगा ली है, हमारा ये डिजाइन तैयार हुआ। अब इसका प्लेट्स बना देंगे। दोनों तरफ से बराबर से हमें ये दोनों प्लेट्स डाल देने हैं। प्लेट्स डालने के बाद डिजाइन हमारा तैयार हुआ।
तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।